किसी देश की आर्थिक ताकत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम से बहुत करीबी रिश्ता रखती है और किसी बैंकिंग सिस्टम के ताकतवर होने के लिए जरूरी है कि समाज के सभी हिस्सों के पास भरोसेमंद बुनियादी सुविधाएं हों। पिछले 2-3 दशकों में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग बदल चुके हैं। आज भारतीय बैंक अपनी बिल्डिंग से निकलकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक और कैश से कार्ड तक पहुंच चुके हैं। आज टेलीकाउंटर की जगह क्लाउड्स ने ले ली है, जिससे देश के नागरिकों को आर्थिक आजादी मिली है और उनकी आर्थिक प्रगति भी हुई है। ये सब मुमकिन हुआ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ICT के जरिए। तो आइए देखते हैं ICT बैंकिंग क्रांति। बैंक क्या होता है? इस जगह हमारी संपत्तियां सुरक्षित रहती हैं। ये संस्थान हमें आर्थिक रूप से प्रगति करने में मदद करता है और इसके जरिए हम सुरक्षित तरीके से आर्थिक ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। बैंक का नाम लेने पर हमें अक्सर कुछ ऐसा विचार आता है, एक ऐसी इमारत जिसमें सेफ और लॉकर होते हैं। यहाँ का स्टाफ बैंकिंग में हमारी मदद करता है। इस तरह के पारंपरिक सेटअप में करेंसी आमतौर पर कागज और सिक्कों की शक्ल में होती है। इसे कहते हैं बैंकिंग 1.0 और आज पूरे भारत में इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन इस सिस्टम की अपनी कुछ कमियां हैं। ये शहरों और ज्यादा आमदनी वाले समुदायों के लिए तो बढ़िया काम करता है, लेकिन ये भारत के कम साधन संपन्न और कम आय वाले नागरिकों तक हमेशा नहीं पहुंच पाता। बहुत से लोग आसानी से इसका लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। गुलजार मोहम्मद ऐसे ही एक इंसान है जिन्हें पारंपरिक बैंक सुविधाजनक नहीं लगते। हमारे पास टाइम होता नहीं कि हम बैंक जा सके। हम लोग का बिजी काम है, सिलाई लाइन का काम है, जो है वहाँ छुट्टी मिलती नहीं इतनी। वहाँ पे सारा फॉर्म भरो, ये करो वो करो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता है, फिर जो है बस भी कैसे सुनते नहीं है, परेशानी तक तमाम झेलनी पड़ती वहाँ पे। गुलजार जैसे लोगों के लिए बैंकिंग 1.0 एक मुश्किल सिस्टम है। खुशकिस्मती से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस मुश्किल का समाधान लेकर आई है। ये है बैंकिंग का अगला लेवल, यानी बैंकिंग 2.0। बैंकिंग 2.0 आखिर होती कैसे है? इंटरनेट की बदौलत अब बैंक फिजिकल के अलावा अपनी वर्चुअल मौजूदगी भी रखते हैं। बैंक अब ATM मशीनों के जरिए भी पैसा देने लगे हैं और करेंसी भी पेपरलेस हो गई है। बैंकिंग 2.0 में आम नागरिक सिर्फ एक बटन दबाकर या स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए कभी भी कहीं भी वित्तीय लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये क्रांति मुमकिन कैसे हुई? ये है हैदराबाद स्थित बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान या IDRBT। इसे 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थापित किया था और तब ये दुनिया में अपनी तरह का अकेला संस्थान था। इसका काम था भारतीय बैंकिंग को स्मार्ट बनाना, क्योंकि IT की एक नई लहर पूरी दुनिया के वित्तीय संस्थानों में बह रही थी। 90 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत शानदार था। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हाल ही में विदेशी कारोबारों और इन्वेस्टर्स के लिए स्थानीय बाजारों के दरवाजे खुले थे। पूरी दुनिया भारत के साथ आसान और सहज लेन देन की उम्मीद लगाए हुए थी। ज्यादातर विदेशी बैंक पहले ही अपने कई महत्वपूर्ण कामकाज के लिए टेलीकम्युनिकेशंस और वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर रहे थे। लगातार छोटी होती और आपस में जुड़ती इस दुनिया में भारत के आर्थिक भविष्य को सुनिश्चित करने के सिलसिले में IDRBT का काम बहुत महत्वपूर्ण था। ये एक अनूठा संस्थान है। दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई संस्थान नहीं है जिसे देश के सेंट्रल बैंक ने कायम किया हो। इसे पूरी तरह बैंकिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने और उसमें रिसर्च के अलावा टेक्नोलॉजी को अपनाने में बैंकों की मदद के वास्ते बनाया गया है, ताकि बैंक अपनी सेवाएं देने के सिलसिले में ग्राहकों के लिए ज्यादा उपयोगी बन सके।
ग्राहकों को बढ़िया और आसानी से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग टेक्नोलॉजीज ने नई सदी की शुरुआत में आईसीटी से जुड़ी अपनी पहली उपलब्धि हासिल की। इसे कहा गया कोर बैंकिंग। आज हर बड़ा बैंक कोर बैंकिंग पर ही आधारित है, लेकिन ये है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी बैंक की हर शाखा एक डिजिटल नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़ी होती है। इसके केंद्र या कोर में होता है एक स्टोरेज सर्वर। सर्वर एक बेहद उन्नत हार्डवेयर मशीन होती है जो हर ब्रांच की सूचनाओं को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करके रखती है। ये सैटेलाइट या टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस डिजिटल इंफॉर्मेशन को कभी भी बैंक की किसी भी शाखा तक पहुंचा सकती है। इसका ये मतलब है कि कोई कस्टमर देश में किसी भी ब्रांच से अपने अकाउंट तक पहुंच हासिल कर सकता है। सन 2000 की शुरुआत में कोर बैंकिंग के आने से सब कुछ बदल गया और बैंकिंग करने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया। पूरे भारत में एक नई तरह की मशीन नजर आने लगी। इसका साइज किसी छोटे कबर्ड जैसा था और ये ऐसे कई काम करने लगी जिन्हें पहले बैंकों में ही किया जाता था। एटीएम या ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन एक ऐसा 24/7 बैंक है जिसका इस्तेमाल हर कोई पैसे निकालने, जमा करने, चेक जमा करने या बिल पे करने के लिए भी कर सकता है। यूजर्स को सिर्फ बैंक द्वारा दिए गए एक एटीएम कार्ड की जरूरत होती है। हर एटीएम कार्ड में एक पतली सी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसमें यूजर के अकाउंट की तमाम सूचनाएं होती हैं। एटीएम में डालने पर एक कार्ड रीडर को डेटा मिल जाता है। इसके बाद ये यूजर्स के पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या पिन की मांग करता है। कार्ड और पिन डेटा को एक होस्ट कंप्यूटर को भेजा जाता है जो बैंक के मुख्य स्टोरेज सर्वर से जुड़ा होता है। सारा डेटा कंफर्म होने के बाद यूजर कीबोर्ड और डिस्प्ले मॉनिटर का इस्तेमाल करके अपनी ट्रांजैक्शन कर सकता है। ट्रांजैक्शन डिटेल होस्ट सर्वर के जरिए मुख्य बैंक के स्टोरेज सर्वर में भेज दी जाती है। हम जिस तरह बैंकिंग करते हैं, एटीएम ने उस तरीके को बदल कर रख दिया है और अब जैसे बैंक हमारे घर तक ही पहुँच गया है। अगर टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी ये क्रांति ना होती तो बैंकों के लिए समाज के उस हिस्से तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता जो साधन विहीन है। जहां तक कस्टमर के साथ व्यवहार का सवाल है, अब उसे बैंक का कस्टमर माना जाता है और वो उसकी सेवाओं का लाभ कहीं भी उठा सकता है। इसी से किसी भी समय कहीं भी बैंकिंग की शुरुआत हुई। और बात सिर्फ एटीएम की ही नहीं है। कोर बैंकिंग और आईटी टेक्नोलॉजीज ने ये सुनिश्चित किया है कि कस्टमर को पेमेंट भी बिना किसी मुश्किल के हो जाए। आज डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 55 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और ये भी एटीएम वाली ही मैग्नेटिक स्ट्रिप टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। लेकिन ट्रांजैक्शंस के और सरल होने से कार्ड फ्रॉड जैसे सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ रहे हैं। फ्रॉड को रोकना और हर आर्थिक सौदे को सुरक्षित बनाना बैंकिंग 2.0 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए हर कार्ड के साथ जुड़ा होता है एक सिक्योरिटी सिस्टम जिसे कहा जाता है 2-फैक्टर कार्ड ऑथेंटिकेशन। इसमें हर खाता धारक को सिक्योरिटी की पुष्टि के लिए 2 आंकड़े मुहैया कराने होते हैं। मिसाल के लिए कार्ड प्लस पिन या 16 डिजिट का कार्ड नंबर प्लस CVV कोड वगैरह। भारत 2-फैक्टर कार्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने वाला पहला देश है। शुरू में सोचा जा रहा था कि इससे ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम घट जाएगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ कार्ड पेमेंट इंडस्ट्री ये समझ गई कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के मामले में ये एक स्मार्ट कदम था। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ कार्ड्स तक ही सीमित नहीं है।
जब बात ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आती है तो ये जिम्मेदारी संभालता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या NPCI, खासकर अगर बात ऑनलाइन बैंकिंग की हो। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए यूजर्स का बैंक जाना बच जाता है और वो अपनी नेट बैंकिंग साइट पर लॉगिन कर सकते हैं। एक बटन दबाकर यूजर्स अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक से दूसरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें इंटरनेट बैंकिंग के काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे हम घर बैठे ही अपने बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिजली का बिल हो या पानी का बिल हो या किसी भी तरीके का बिल हो, वो हम एक ही क्लिक में पे कर सकते हैं। हमें काउंटर पर जाकर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। नेट बैंकिंग से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि अपना मोबाइल से ही अपना वहीं घर बैठे ही हमने रिचार्ज कर लेते हैं। पहले क्या था कि हम दुकान पे जाओ, उसको वहाँ पे जाकर रिचार्ज कराना पड़ता था, उसमें काफ़ी सारा समय लगता था। कोई भी हमें शॉपिंग करनी हो, अब हमारे पास टाइम नहीं है या टाइम है, हम जाते हैं काउंटर पे, जाओ कहीं मार्केट में जाओ, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। अब क्या है कि घर बैठे ही हम शॉपिंग कर लेते हैं एक मिनट में। 90% इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस NPCI के नेशनल फाइनेंशियल स्विच से होकर गुजरती हैं। ये स्विच सभी भारतीय बैंकों के स्टोरेज सर्वर को आपस में जोड़कर उन्हें NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जैसे सिस्टम्स के जरिए ट्रांजैक्शन करने की सहूलियत देता है। हर दिन इस तरह 6 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती हैं, लेकिन वो सुरक्षित कैसे बनी रहती हैं? हर बैंक के पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए एक समर्पित टीम होती है। उसका काम होता है इनमें से किसी भी साइबर थ्रेट की लगातार निगरानी करना, हैकिंग या किसी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में सेंध लगाने की कोशिश, फिशिंग या अकाउंट होल्डर की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भेजी जाने वाली धोखाधड़ी वाली ईमेल, और मैलवेयर या ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स को बेकार या बर्बाद करने के लिए डिजाइन किया गया हो। हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम नाम की एक टीम होती है। हमारे पास एक साइबर क्राइम सेल भी होता है। इनका काम है हर डिवाइस या गतिविधि पर नजर रखना और आज उससे क्या जोखिम हो सकते हैं। जब तक ये लोग इन चीजों को अपनी इजाजत नहीं देते, कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। बैंकिंग का मतलब है भरोसा, तो अगर भरोसा नहीं होगा तो कोई बैंकिंग करना ही नहीं चाहेगा। इंटरनेट बैंकिंग में कोई आपके सामने नहीं होता है, आपको कोई नजर नहीं आता, इसलिए बैंकों ने इंटरनेट बैंकिंग के मामले में काफी सुरक्षा का ध्यान रखा है। ये एक बड़ी घटना है और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लोगों में इंटरनेट बैंकिंग के लिए भरोसा जागा है। हमेशा चौकस ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम और ICT की वजह से भारत में बैंकिंग एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, और ऐसा सिर्फ कंप्यूटर्स या स्मार्ट कार्ड्स तक पहुंच रखने वाले लोगों के मामले में ही नहीं है। ये है मुंबई स्थित द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या NPCI का हेडक्वार्टर्स। यहीं पर सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का लगभग 90% हिस्सा नेशनल फाइनेंशियल स्विच से होकर गुजरता है। NPCI इस स्विच के जरिए हर भारतीय बैंक को दूसरे बैंक से जोड़कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाता है। लेकिन हर भारतीय ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करता, क्योंकि हर भारतीय के पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। इसीलिए NPCI ने नेशनल फाइनेंशियल स्विच को मोबाइल बैंकिंग में सुविधा देने के योग्य भी बनाया है। भारत में बैंकिंग टेक्नोलॉजी बेहद उन्नत है। इस मनी ट्रांसफर सिस्टम के लिए भी हम वही स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक काफी स्मार्ट कदम है। चैनल के सभी फॉर्म IMPS के साथ जुड़े होते हैं और ये दुनिया में एक अनोखी चीज है। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ICT भारतीय बैंकिंग में सबसे कम साधन संपन्न यूजर्स के लिए भी बदलाव ला रही है। IMPS या इमीडिएट पेमेंट सर्विस ने पूरे भारत में सबसे आम डिवाइसेस में से एक यानी मोबाइल फोन में ट्रांजैक्शंस के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसके जरिए फंड्स का ट्रांसफर छुट्टी वाले दिनों में भी लगभग फौरन ही हो जाता है।
आज लगभग सभी बड़े भारतीय बैंक अपने खाता धारकों को IMPS सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और ये उन तरीकों में से एक है जिनसे मोबाइल फोन भारत के सबसे छोटे और सबसे आसान बैंकिंग आउटलेट बनते जा रहे हैं। मिलिए सुरेश से, ये एक माइग्रेंट वर्कर है जो उड़ीसा के अपने छोटे से गांव से एक बड़े शहर नई दिल्ली आ गए हैं। इनके लिए हर महीने अपने घर पैसा भेजना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। पहले तो हम जैसे हमारे साथ मेरे भाई गांव के भाई रहते हैं या कोई गांव के रिलेटिव रहते हैं तो उन्हीं के साथ में हम भेजते थे, तो बहुत देर से पैसा पहुंचता था घर पे। डर लगा रहता है अगर गाड़ी पे उसके हाथ से अगर पैसा चोरी हो गया तो हमारा पैसा भी गया तो हमारे काम नहीं आ पाएगा। बेशक सुरेश की आसान पहुँच बैंक तक ना हो, लेकिन एक बेहद अनूठी मोबाइल टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुँच जरूर है जिसे कहते हैं नोवोपे। नोवोपे किसी भी ऐसे फोन पर काम करने वाला मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ये एक अनूठा सिस्टम है जिसके जरिए आम दुकानदार भी स्थानीय बैंकर बन सकते हैं। इसमें एक आम एंड्रॉइड फोन एक फिंगरप्रिंट स्कैनर या एक आयरिस स्कैनर के साथ जुड़ा होता है जो आधार और एक छोटे ब्लूटूथ प्रिंटर के साथ जुड़कर बैंकिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो अगर मैं किसी छोटे से गांव में भारत के किसी भी कोने में एक किराना स्टोर का मालिक हूं और मेरे पास एक स्मार्टफोन और एक बायोमेट्रिक स्कैनर और एक प्रिंटर है तो मैं नोवोपे की टेक्नोलॉजी के जरिए एक बैंकर बन जाता हूं। लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करता है? कोई यूजर नोवोपे टेक्नोलॉजीज मुहैया कराने वाली किसी दुकान में जाता है, दुकानदार इस एप्लीकेशन और बायोमेट्रिक स्कैनर्स जैसे डिवाइसेस को इस्तेमाल करने में ट्रेंड होता है। ऐसे में दुकानदार एक क्वालिफाइड बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बन जाता है जो यूजर्स से डिजिटल फॉर्म्स भराकर और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज को स्कैन करके उनके बैंक खाते खुलवाने में मदद कर सकता है। ऐप में सारा डिटेल कस्टमर का ले लिया जाता है, फोटो वगैरह स्कैन होकर सारा इंस्टेंटली पहुंच जाता है और अकाउंट तुरंत ओपन हो जाता है। कुछ बिल्कुल अनपढ़ है जो बिल्कुल बैंक में जा ही नहीं पाते हैं वो लोग भी आते हैं, उनका काम यही हो जाता है, पैसे निकाल भी लेते हैं डाल भी लेते हैं, बैलेंस चेक करना हो तो वो भी हमारे मोबाइल में चेक हो जाता है, इससे उनको काफी आराम लगता है, बैंक जाने का झंझटबाजी से वो बच जाता है। यूजर की बैंकिंग संबंधी सूचना को मोबाइल ऐप के जरिए क्लाउड से जुड़े नोवोपे के होस्ट सर्वर में अपलोड कर दिया जाता है। क्लाउड सर्वर डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए वर्चुअल स्टोरेज स्पेस है। ये सर्वर फिर इस सूचना को संबंधित बैंक के मुख्य स्टोरेज सर्वर में भेजते हैं। नोवोपे के डेटा सेंटर में कोई भी व्यक्ति भारत के 12 राज्यों में हो रहे मोबाइल मनी ट्रांसफर्स के ट्रैफिक की झलक पा सकता है। मैं जब आपकी डिटेल यहां टाइप करूंगा, आपका आधार नंबर लेकर आपको ऑथेंटिकेट करूंगा और आपकी EKYC करूंगा, तो ये सब चीजें मोबाइल नेटवर्क के जरिए हमारे सर्वर तक पहुँच जाएंगे। मान लीजिए आप बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता खोलना चाहते हैं जो हमारा एक पार्टनर है, तो हमारा संपर्क हमारे सर्वर के जरिए बैंक ऑफ इंडिया से होगा। बैंक ऑफ इंडिया सर्वर और उसका कोर बैंकिंग सिस्टम एक खाता खोलेगा, हमें इसकी खबर भेजेगा, हम ये मैसेज उन्हें भेजेंगे और फिर ये ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। पूरे भारत में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस वाली ऐसी करीब 1800 शॉप है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस यूजर्स को पैसा निकालने, जमा करने, फंड ट्रांसफर करने, चेक बुक मुहैया करने और अकाउंट बैलेंस बताने में भी मदद करते हैं। स्थानीय दुकानदारों या किराना स्टोर्स को इस टेक्नोलॉजी से जोड़ने से बैंकिंग नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है। इससे एफिशिएंसी काफी बेहतर हुई है क्योंकि कंज्यूमर के पास हमेशा एक लोकेशन उपलब्ध रहती है। यहाँ हम एक ऐसे रिटेलर को ये खूबी दे रहे हैं जो पहले से काम कर रहा है, तो जब वो इस डिवाइस में इन्वेस्ट करता है तो उसके जरिए होने वाली ट्रांजैक्शन से उसकी आमदनी भी बढ़ती है। सुरेश जैसे यूजर्स के लिए अब बैंक जाना घर का सामान खरीदने जितना ही आसान हो गया है। पूरा लेन देन कुछ मिनटों में ही हो जाता है। विश्वास तो होता है क्योंकि हमें 5 मिनट के अंदर पता लग जाता है कि वहाँ भाई के पास अकाउंट में पहुँच गया। एक तो हमें समय की बचत होता है, ये मेरे ड्यूटी से नजदीक पड़ता है, और वहाँ तो बैंक तो 4 बजे क्लोज हो जाते हैं, हमें 6 बजे तक छुट्टी होता है, तो यहाँ नज़दीक पड़ता है तो यहाँ पे आके हम 6 बजे तक मतलब रात 8 बजे तक जमा कर सकते हैं। भारत में ऐसे 30 करोड़ माइग्रेंट वर्कर हैं जो काम के लिए देश में आते जाते रहते हैं, तो जब उन्हें पैसा अपने घर
अपने माता पिता, अपने जीवन साथी को भेजना होता है, तो ये जरूरी है कि पेमेंट सिस्टम आसान, कम खर्चीला और रियल टाइम वाला हो। इसलिए हमने ये असिस्टेंट मॉडल खरीदा। तो ये बैंकिंग के लिए एसटीडी बूथ जैसा है। ऑनलाइन और मोबाइल मॉडल्स के जरिए बैंकिंग 2.0 ये सुनिश्चित करता है कि बैंक वहाँ आए जहाँ ग्राहक हो। लेकिन इनोवेशन अभी और भी हो रही है, तो ब्रेक के बाद हम भविष्य पर और बैंकिंग 3.0 सिस्टम पर नजर डालेंगे। भारत के करीब 50% लोग अब भी बैंकों का इस्तेमाल नहीं करते, तो मोबाइल बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग सेवाओं को ऐसे लोगों के घर तक ही पहुंचा दिया है। और अगर विशेषज्ञों की बात माने तो इस क्रांति की अभी शुरुआत ही हुई है। ये वक्त है बैंकिंग 2.0 के बैंकिंग 3.0 में बदलने का। कोर बैंकिंग ने इस बदलाव को आसानी से मुमकिन बनाने का प्लेटफॉर्म मुहैया कराया। हमें लगा कि भविष्य में ऐसा मॉडल बनाएं जो लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढाले, लिहाजा हम बैंकिंग 2.0 से 3.0 की तरफ जा रहे हैं। बैंकिंग 3.0 कैसी होगी? इसके लिए हमें फिर से बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान की ओर लौटना होगा। हमारे पास एक मोबाइल पेमेंट सिस्टम लैब है। ये लैब कुछ स्टैंडर्ड्स को डिजाइन करने में मदद करती है। बहुत से लोग इस लैब में आकर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इस लैब में लोगों को काफी ट्रेनिंग मिलती है जो उन्हें मोबाइल बैंकिंग मुहैया कराने में मदद करेगी। रिटेल और सर्विसेज स्पेस में कदम रखने वाला एक सबसे नया मोबाइल बैंकिंग सिस्टम है मोबाइल वॉलेट्स। ये एक मोबाइल आधारित अकाउंट है जिसमें कुछ खास कामों के लिए कैश जमा रहता है, जैसे कि टैक्सी बुक करना या ऑनलाइन शॉपिंग। जब कोई खरीदारी की जाती है या कोई सर्विस ली जाती है तो उसका भुगतान मोबाइल वॉलेट से हो जाता है। ऐसी ICT टेक्नोलॉजीज भारत में लोगों के बैंकिंग के तरीकों को बदल रही है, और ऐसा सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं हो रहा। हाल ही में सरकार के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई जिसका नाम है जन धन योजना। ये उन तमाम भारतीयों के लिए एक बैंक खाता खोलने से जुड़ी कोशिश है जिनका अभी तक बैंकिंग सिस्टम से रिश्ता नहीं जुड़ा है। ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम और सरकार की मिलीजुली कोशिश है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके दायरे में आ सके, और मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए इसकी रफ्तार भी कहीं ज्यादा तेज हो जाए। मई 2016 तक जन धन योजना के तहत करीब 20 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। भविष्य में भारतीय बैंकिंग के लिए चुनौती सिर्फ साधन विहीन लोगों को अपने साथ जोड़ना ही नहीं होगी, बल्कि उसे ICT के इस्तेमाल से ऐसी ज्यादा सरल प्रणालियां बनानी होंगी जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सके, चाहे वो भारत में कहीं भी मौजूद हो। अगर बैंकिंग को ग्राहकों तक पहुंचाना है तो ग्राहक के लिए ब्रांच जाना जरूरी नहीं होना चाहिए, बैंकिंग को कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। इसलिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस तरह डिजाइन किया जाए कि कस्टमर इन सेवाओं का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सके। आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in।